देख रहे हैं प्रदेश समाचार, मैं गोपाल कश्यप। अभी बाराहाट प्रखंड के अंतर्गत छठे चरण का जो चुनाव होना है, इसी क्रम में मैं अभी खरियारा पंचायत के खरियारा गांव के वार्ड नंबर 9 में मौजूद हूं, जहां हमारे सामने निवर्तमान प्रत्याशी जमीला बैठी हुई हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। यह निवर्तमान वार्ड सदस्य के रूप में रह चुकी हैं, अपने 5 साल के कार्यकाल को इन्होंने पूरा कर लिया है। सब प्रथम मैं इनसे इनका परिचय लूँगा और उसके उपरांत मैं इनसे 5 सालों के अंदर में जो इन्होंने अपने जनता के लिए कार्य किया है, इसका ब्यौरा लूँगा। आइए मैं इनसे परिचय लेता हूँ। आप अपना नाम बताइए। जमीला। जोर से बोलिए। जमीला। गांव खरियारा। पंचायत खरियारा। खरियारा। और प्रखंड बाराहाट। और आपका जिला बांका। बांका। इस बार आप किस पद पे खड़ी हुई हैं? वार्ड सदस्य। आपका छाप क्या मिला है? गेहूं छाप। कितने क्रमांक पर है? एक नंबर। एक नंबर पे। आपने सुना जमीला जी को, इस बार इन्हें गेहूं की बाली छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। कर्मठ हैं और अपने गांव के हर ग्रामीणों के पास इनकी पहुंच है, खुद से जाती हैं, उनके सुख दुख में रहती हैं, गरीब परिवार से हैं। और इन्होंने अपने इस 5 साल के दरमियान में काफ़ी कुछ जो विकास का काम था उसे धरातल पे उतारा है, तो मैं इनसे क्रमवत तरीके से पूछता जाऊंगा, ये बताती जाएंगी। आपने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जल नल का जो कार्यक्रम था, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना, वो काम आपने किया था जी। कितने घरों को पानी मिल रहा है? 200 घर। कितने टाइम पानी दे रहे हैं? 3 टाइम दे रहे हैं। जल नल का काम इन्होंने किया, 200 घरों को पानी मिल रहा है और पूरे 3 समय में यह पानी जा रहा है। इसके अलावे सबसे जब इनसे चर्चा परिचर्चा के विषय में कार्य पूछा गया, तो इस दरमियान में पता चला कि इन्हें सड़क गली नली जो पीसीसी की व्यवस्था थी, इसमें कोई योजना इन्हें नहीं मिला मुखिया के तरफ से। ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि वार्ड को अपने ग्रामीण स्तर पर यह देखना होता है किस गली किस कूचे में ज़रूरत है सड़कों की, तो ये मुखिया ने आपको नहीं दिया था? कुछ नहीं दिया, कुछ नल जल योजना खाली दिया है। सिर्फ और सिर्फ नल जल योजना दिया, इसके अलावे कोई भी योजना ये महिला नहीं जानती है जमीला, जबकि इन्हें पता है कि योजना के तहत क्या क्या आता है। इसके अलावे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में इन्होंने काम किया है। वृद्धा पेंशन में 10 हैं और कुछ लोग छूटे हुए हैं। विधवा पेंशन में इनका कहना है कि मैंने कोशिश किया लेकिन किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। कोशिश किए थे? कोशिश किए, सुनवाई नहीं करता। सुनवाई नहीं करता है, ये भी एक गंभीर समस्या है वार्ड नंबर 9 की जो वार्ड सदस्य हैं जमीला जी, इनके लिए। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने कहा कि मैंने 5 आवास मेरे रीजन में हुआ है, और भी 25 लोगों से अधिक ऐसे घर हैं जिसे कि आवास की ज़रूरत है, लेकिन ये भी देखरेख मुखिया जी ही करते हैं। मुखिया जी करता है, हाँ। ये भी देखरेख मुखिया जी करते हैं। जल जीवन हरियाली के तहत इन्होंने एक भी पौधा इन्हें नहीं दिया गया, एक भी यूनिट नहीं दी गई। शौचालय कितने लोगों को मिला है यहाँ? 10 लोगों को हम दिलाए। और भी जरूरत है? जरूरत है, 25 लोग हैं। 25 लोग और हैं। और उज्ज्वला गैस योजना के तहत सरकार ने जो गैस चूल्हे की और फ्री गैस की व्यवस्था की थी, इसमें 34 लोग दिलाए हैं। और कुछ बाकी भी है। यानी अपने स्तर से जितना भी हो सका है, इन्होंने अपने वार्ड 9 के ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अलावे अंत में और एक चीज आती है, शिक्षा व्यवस्था। तो कभी आप आंगनबाड़ी या प्राथमिक केंद्र खुद से गए हैं? अपने से गए हैं। सॉरी, प्राथमिक केंद्र नहीं, प्राथमिक विद्यालय। हाँ, भी है। और वहाँ आपने पोषाहार चखा है, खाया है खुद? हाँ, से बढ़िया से। ठीक रहता है? ठीक रहता है। बच्चों की उपस्थिति ठीक रहती है? ठीक रहता है। और स्वास्थ्य व्यवस्था वो भी ठीक है? ठीक रहा है। अच्छा, वैक्सीन ले लिया है आपने? वैक्सीन ले लिया है। कितने लोगों को आपने प्रेरित किया है? 400 लोगों को हो गया है।
आपने सुना अपने स्तर से जितनी भी इनकी कोशिश थी उसमें ये सक्सेस हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब योजना ही इनके हाथ में नहीं है तो ये काम कहाँ से करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ प्रदेश समाचार की टीम जिस विकास के मुद्दे पर काम करती है, इसी विकास के मुद्दे को उठाते हुए बिहार सरकार प्रखंड के पदाधिकारियों, जिले के पदाधिकारियों तक ये बात पहुंचाती है कि किस स्तर पर किस तरह से काम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।